नमस्कार, हमारी एक खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रणयुद्ध। रणयुद्ध बात उस परेशानी की करेंगे जिससे जिसको लेकर कंसर्न पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की। पहले तो आपको अच्छी खबर ये दे दें कि ऋषभ पंत की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्रिकेट के मैदान पर आखिर वो कब लौट पाएंगे। और अगर क्रिकेट के मैदान पर लौट नहीं पाते तो रेड बॉल की तैयारियों में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों में भारतीय क्रिकेट के लिए क्या कुछ परेशानी आएगी, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो कंसर्न लोग हैं। एक तरफ दिल्ली क्रिकेट संघ के डायरेक्टर राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो हेड कोच रहे हैं और अंडर 19 में ऋषभ के कोच रहे हैं, और साथ ही सबा करीम हमारे साथ है, जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके लिए भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर नी के लेगमेंट में जिस तरह की इंजरी बताई जा रही है, जिस तरह से बैक में इंजरी को लेकर बातें हो रही है, उससे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या IPL तक ऋषभ पंत ठीक हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी परेशानी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक इम्पोर्टेंट सीरीज खेली जानी है, जहां पर ऋषभ पंत का रोल बहुत बड़ा होने वाला था, वहां पर अब ऋषभ पंत हो सकता है वो खेलते नजर ना आए। कई ऐसी बातें हैं जो आज इस साल के आखिरी दिन हम बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभा भाई, बींग अ एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली कैपिटल्स, बींग अ विकेट कीपर और बींग अ एक्स सेलेक्टर, कैसे आप देखते हैं जो कुछ ऋषभ पंत के साथ घटा है, और जिस तरह की खबरें अब निकल कर आ रही है कि उनके नी के लिगमेंट में जो सबसे ज्यादा वरी फैक्टर है वो नी के लिगमेंट्स में इंजरी को लेकर है, कैसे आप बीइंग दिल्ली कैपिटल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें है, कैसे आप देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए राजीव, इन खेल की बातें तो हम लोग करते आते हैं, पर ये अब जी ऐसा समय है जहाँ पर हम सब लोगों को सब लोगों की दुआएं ऋषभ पंत के साथ होनी चाहिए और हैं जी भी। अच्छी खबर ये है कि उनको कुछ उस तरह की सीरियस इंजरी नहीं है। जो इमेजेस देखने को मिल रहे थे, जो वीडियो देखने को मिले वहां से, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उनको कुछ बिल्कुल सीरियस इंजरी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा उनको रिकवर करने में, पर मुझे लगता है कि इस समय जल्दबाजी होगी ये कहना कि कितना टाइम उनको लगेगा। उनको अगर चोट है तो उसकी सीरियसनेस क्या है। अभी भी मुझे लगता है कुछ ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद जहां तक मुझे खबर आ रही है, जो भी एक्सपर्ट है जो उस एरिया में, चाहे नी के सर्जन हो गए, नी के एक्सपर्ट हो गए, जहां जहां चोटें लगी हैं उनके एक्सपर्ट को जब तक वो दिखा नहीं लेते हैं, उसके बाद ही हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस समय बस दुआ यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब कब ठीक होंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है राजीव, पर जैसे कि मैंने कहा कि थैंक गॉड के कुछ ऐसी सीरियस इंजरी नहीं है और वो वापस जरूर आएंगे। और वो यंग लड़का है, स्ट्रॉन्ग लैड है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसे रिकवर कर लेना चाहिए। राजकुमार सर, आज अनिल कपूर और अनुपम खेर दो बॉलीवुड स्टार्स मिल के आए ऋषभ पंत से, और उन्होंने आके जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऋषभ सबसे बात कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब BDCA की तरफ से भी एक दल भेजा जा रहा है श्याम सुंदर जी की अगुवाई में। ये एक अच्छी पहल के तौर पे हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि BCCI लगा हुआ है, DDCA लग गया है, उत्तराखंड स्टेट लग गई है कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो जाए। क्या कुछ खबरें आपको मिल पा रही, क्योंकि आप भी उत्तराखंड में हैं इस समय? बिल्कुल राजीव, अभी हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने एक डेलीगेशन भेजा है जिसको हमारे डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा लीड कर रहे हैं, और वो दे आर अबाउट टू रीच मैक्स हॉस्पिटल देहरादून पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहां से अभी जो मेरे सोर्सेस से मुझे खबरें मिल रही है ऋषभ के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो स्थिर है, स्टेबल है, और कोई बहुत सीरियस इंजरी शायद उनको नहीं हुई है। और जैसा कि अभी साबा ने भी कहा कि हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं, सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी उनके लिए दुआ कर रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। और जिस तरह का उनका नेचर है, केयर फ्री नेचर है, और वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है जैसा कि उनके क्रिकेट में भी नजर आता है, तो राजीव मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वो रिकवर करेंगे और बहुत जल्द सब उनके फैंस उनको क्रिकेट के ग्राउंड में खेलता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, और इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से भी हम दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो, मैदान पर लौटे, और जिस तरह से वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते आए हैं, कुछ उसी तरह की इनिंग्स हम उनके
बैट से देख पाए, उनका कंट्रीब्यूशन हम क्रिकेट के मैदान पे दोबारा देख पाए। ठीक है राजकुमार सर, बड़ी परेशानी है कि कल मैं कुछ स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, दिल्ली के बहुत जाने पहचाने नाम है, और उनका कहना था कि नी लिगमेंट में अगर चोट है तो थोड़ा टाइम लग सकता है ऋषभ को वापस आने में। बड़ा सेटबैक के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि हम टेस्ट चैंपियनशिप के एकदम मुहाने पे खड़े हैं और ऋषभ ने जिस तरह का मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट में दिया है, बहुत शिद्दत के साथ उनकी खमी खलने वाली है टेस्ट चैंपियनशिप के बचे हुए 4 मैचेस में। बिल्कुल राजीव, मैं दुआ करता हूँ कि वो जो उनकी नी की इंजरी है वो सीरियस ना हो, क्योंकि अगर नी इंजरी है ये टाइम लेती है काफी, और भारतीय टीम को उनकी सख्त जरूरत है जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा हाँ पिछले बीसीसीआई के मैचों मेल में। में भी हाँ मेंशन है इस बात का कि नी के लिगमेंट्स में इनको चोट है। वो एक जी जरूर कंसर्न का विषय है कि उनके नींद की इंजरी में उम्मीद करता हूँ ज्यादा सीरियस ना हो और वो जल्द से जल्द रिकवर करें, क्योंकि भारतीय टीम को एक स्टेबिलिटी दी है उन्होंने मिडिल ऑर्डर में, और एक तरह से वो मैच विनर हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप उनके पिछला जो रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत जरूरी है कि वो जल्द से जल्द रिकवर हों, और अभी एक आज के आज शायद क्लियर हो जाएगा कि वो इंजरी कितनी सीरियस है, और जिस तरह वो बात कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। सब भी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई तो सबने यही बताया कि वो काफी नॉर्मल लग रहे हैं और कोई ऐसे चिंता का विषय नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, वो बहुत सीरियस नहीं है, और ये जो नी वाली इंजरी है मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो और वो दोबारा भारतीय टीम के लिए खेले। सभा भाई, बीइंग अ विकेट कीपर, नी की कितना इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं नी लिगमेंट्स के, क्योंकि बीसीसीआई के मेल में भी जिक्र है इस बात का कि उनके लिगमेंट्स में चोट है नी में। बीइंग अ विकेट कीपर आपको, आप किस तरह से देखते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे तक वापसी हो सकती है, आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें रिप्लेसमेंट तैयार रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, क्या कुछ आपको लग रहा है इस समय? देखिए नी लिगामेंट में जब चोट लगती है तो फिर वो उसकी गहराई को यहाँ से आंकना बड़ा मुश्किल है। अब अगर लिगामेंट टेयर है तो क्या उस सर्जरी की जरूरत है? अगर सर्जरी की जरूरत है तो मुझे लगता है कि लंबा समय लगेगा। अगर सर्जरी की जरूरत नहीं है और सिर्फ रिहैब से वो वापसी कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उतना समय उनको लेना चाहिए। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि वो इतने फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो वहां से रिकवर करने में थोड़ी बहुत मदद भी मिलती है, और तो मुझे लगता है थोड़ा हमें वक्त देना होगा ये डिसाइड करने में कि क्या सर्जरी की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि बीसीसीआई इन्वॉल्व या बीडीसीए इन्वॉल्व हो गया है, दिल्ली कैपिटल्स के भी कई सारे लोग हैं जो 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 उनसे बातचीत में लगे हुए हैं। हमारे जो फिजियो हैं पैट्रिक फरहार जो पहले इंडियन टीम के साथ थे वो भी रेगुलरली मॉनिटर जरूर कर रहे होंगे इस समय, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट है यहाँ पर बीसीसीआई का भी, डीडीसीए का भी, दिल्ली कैपिटल्स का भी, और सभी जो उनके दोस्त हैं, सभी जो उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग मिलजुल कर यही चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द फिट हो जाए। हाँ, पर यहाँ से आकलन करना बड़ा मुश्किल है इस समय, पर उम्मीद यही है कि अगर इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है तो जल्द से जल्द रिकवर कर वापस मैदान में आए, क्योंकि उनकी जो जगह है, उनका जो रोल है टेस्ट मैचेस में विशेष करके राजीव, वो बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में जो परफॉर्मेंस दिया है एक मैच विनर के रूप, मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो सबसे बड़े मैच विनर इस समय भारतीय टीम बिल्कुल, के ऋषभ पंत ही हैं, सबसे ज्यादा रन भी उनके तो टेस्ट उन्हीं क्रिकेट में। उनके सबसे ज्यादा रन है, और जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं, जो इम्पैक्टफुल पारियां उन्होंने खेली है, जो मैच विनिंग पारियां उन्होंने खेली है, इसी वजह से हम लोग इस स्थिति में है कि हम लोग अब आगे क्वालिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोबारा। पिछले साल भी जो हम लोग क्वालिफाई किए थे वो भी ऋषभ पंत की वजह से ही हम लोग वहां तक पहुंचे थे, तो बिल्कुल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है टेस्ट जी क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि आपको बैकअप भी तैयार रखना पड़ेगा, आपकी नजर में कौन बैकअप हो सकता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि ऋषभ ठीक है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, बट कहते हैं ना जिंदगी चलती रहनी चाहिए और जिंदगी आगे चलेगी भी। आपको लग रहा है रिप्लेसमेंट तैयार करने में टीम मैनेजमेंट इसमें लग गई होगी, सोच रहे होंगे कि उनके ऋषभ पंत के बूट्स को फिल करने के लिए कौन सा विकेट कीपर हो सकता है, क्योंकि बहुत देखिए बड़ा एक तरह से राजीव, कहा जाए गैप थोड़ा छोड़ेंगे ऋषभ अगर नहीं होंगे तो। बिल्कुल राजीव, बहुत कमी खलेगी उनको भारतीय टीम में, लेकिन रिप्लेसमेंट तो उनकी चाहिएगी ही अगर वो फिट नहीं होंगे तो। जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है तो मुझे लगता है कि वहां पर एक बेटर बल्लेबाज से ज्यादा भारतीय टीम एक बेटर विकेट कीपर के लिए जाएगी, और इस उस फ्रेम में मुझे लगता है कि के भरत सबसे पहली चॉइस होंगे शायद टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि वो पहले भी टेस्ट स्क्वाड में रहे हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे मुझे लगता है, और उसके बाद शायद संजू सैमसन का नाम आए अगर बैकअप विकेट कीपर चाहिए हो।
क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छा, उन्होंने व्हाइट बॉल से किया है, लेकिन अभी रेड बॉल से उनका प्रदर्शन देखा नहीं गया है, बहुत ज्यादा एसेस नहीं किया है मैंने, तो मुझे यही लगता है कि के भरत शायद पहली चॉइस होंगे, अगर भगवान ना करे ये ऋषभ भी वहां पर अवेलेबल नहीं होते भारत के लिए। तो भाई राजकुमार सर जो कह रहे हैं सहमत है आप उनसे, के भरत पहली चॉइस होंगे अगर ऋषभ अवेलेबल नहीं होते। इंडिया देखिए राजीव, केस भर को ग्रूम किया गया है इस समय, वो अंडर स्टडी है ऋषभ ए पंत। के लिए भी खेल रहे थे जब भी बांग्लादेश में जी। इंडिया ए के लिए भी वो खेल रहे थे, इसके पहले भी उन्होंने दौरा किया है एक सेकेंड विकेट कीपर के रूप में। और आपको याद होगा 1 साल 1.5 साल पहले रिद्धिमान साहब इसी वजह से टीम से बाहर किया गया था, क्योंकि उनको टीम मैनेजमेंट कोचिंगकर्ताओं को ये लग रहा था कि केएस भरत उनको अब ग्रूम किया जाए। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है राजीव कि आगे अगर हम सोच रहे हैं और अगर हम ऋषभ पंत का आइडियल रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो ईशान किशन ज्यादा सूटेबल होंगे। मैं मानता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू केएस भरत को ग्रूम किया जा रहा है, पर जो रोल ऋषभ पंत ने अदा किया है वो उस तरह का रोल अदा करने के लिए मुझे लगता है ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट इस समय ईशान किशन होंगे। इस समय वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, दो दो या तीन मैचेस खेल चुके हैं, वहां पर एक शतक लगाया है, वो भी तेज गति से उन्होंने शतक लगाया है, एक दो और शतक लगाए हैं उन्होंने। तो अब ये निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर, पर मेरे विचार से यही दो विकल्प हैं इस समय आपके सामने। और अगर हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें अब देखिए ऋषभ पंत के आने से भारत भारत टेस्ट मैचेस क्यों जीत रहा था, क्योंकि ना ही केवल वो मैच विनिंग पारियां खेल रहे थे पर तेज गति से वो रन बना रहे थे, इसके वजह से दबाव जो है वो विपक्षों के ऊपर आ रहा था, आपको 20 विकेट लेने का समय मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था भारतीय टीम में। तो उस तरह की बल्लेबाजी कौन कर सकता है इस समय। मैं मानता हूं कि ईशान किशन इस समय वो इंडिया ए के लिए वो रेड बॉल क्रिकेट खेले नहीं है पर व्हाइट बॉल क्रिकेट वो खेल चुके हैं, और ऐसी बात नहीं है कि उनको डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है, काफी सालों से वो खेलते आ रहे हैं, कप्तानी भी करते आ रहे हैं वो झारखंड के लिए, और वहां पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये अब निर्णय अंत में चयनकर्ताओं को लेना होगा, पर मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अगर हमें अपने टेस्ट क्रिकेट को भी आगे लेकर जाना है और अगर आइडियल कोई रिप्लेसमेंट है जो नंबर 5 नंबर 6 पर आकर लेफ्ट हैंडर है तेज गति से रन बना सकता है तो क्यों ना आप ईशान किशन को ट्राई आउट करें। राजकुमार एक अच्छा सजेशन सभा भाई ने दिया है। अब अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या ईशान किशन को आप लेते? और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन देख रहा था, एवरेज बैटिंग ने तो कम से कम बहुत अच्छा है, कीपिंग के बारे में तो मैं सभा भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट एज अ बैट्समैन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में डीएस क्रिकेट में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है। नहीं बिल्कुल राजीव, कई सालों से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी रहा है उनका, लेकिन क्योंकि इंडिया ए वगैरह में उनको नहीं रखा गया तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स के उसमें दिमाग में नहीं था, जहन में नहीं था कि वो रिप्लेसमेंट होंगे ऋषभ पंत की, तो इसके लिए मैंने केएस भरत को बोला है। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सभा के साथ कि अगर वो एक ऐसा प्लेयर है जो अच्छा इम्पैक्टफुल प्लेयर है और बीच में एक लेफ्ट हैंडर भी भारत को चाहिए होता है और जिस गति से वो रन बनाते हैं तो काफी यूजफुल हो सकते हैं, तो सेलेक्टर्स के पास अब चॉइस होगी। अब ये जरूर एसेस करना होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कीपिंग कैसा किया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक अच्छा विकेट कीपर ढूंढते हैं क्योंकि एक कैच भी काफी भारी पड़ सकता है, और भारत की सीरीज भी काफी डिफिकल्ट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भारत खेलने वाला है, और जहाँ पर कि मुझे लगता है कि विकेट्स भी काफी हेल्पफुल होंगी बॉलर्स के लिए, तो वहां पर एक अच्छा कीपर भारत को चाहिएगा, तो वो जरूर देखना होगा। अगर वो अच्छी कीपिंग की में भी अच्छी फॉर्म में है तो वो एक बहुत अच्छी चॉइस होंगे। सभा भाई हमेशा आप कहते हैं कि मैं खासतौर से ऋषभ पंत का बड़ा एग्जांपल आप हमेशा देते थे कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसका फायदा उनकी कीपिंग में मिला, और जब इंडियन पिचेस में उन्होंने कीपिंग की या ऑस्ट्रेलिया में कीपिंग की, बहुत बदले हुए विकेट कीपर नजर आए वो। क्या ये जुआ ईशान किशन के साथ भी खेला जा सकता है कि एक, चलिए विकेट कीपिंग अगर औसत दर्जे की भी है, एक बैट्समैन के तौर पे वो जिस जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, क्या उसका फायदा उनके विकेट कीपिंग में मिलेगा और इंडियन विकेट कीपर पिचेस पे ईशान किशन को अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव के खिलाफ विकेट कीपिंग करना एक बड़ा चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं, और शायद इंडिया में अगर कोई नंबर 1 विकेट कीपर आज के डेट में देखा जा रहा तो वो केएस भरत को ही माना जाता है। राजीव पर ऐसी बात है नहीं, ईशान किशन काफी सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते आ रहे हैं और उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक पे विकेट कीपिंग की है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग की है, व्हाइट बॉल में उन्होंने जिन स्पिनर्स का आपने नाम लिया उनके विरुद्ध उन्होंने कीपिंग की है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया ए के लिए उन्होंने कई साल से वो खेलते आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि उनको ग्रूम ग्रूम किया नहीं जा रहा है। देखिए एक और नजरिया ये होता है राजीव कि अब हमारा मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया टीम से पूछेंगे कि आप कौन ऐसा खिलाड़ी है विकेट कीपर बैटर,
अगर आप बोलेंगे उनको पैकिंग ऑर्डर बनाने के, नंबर वन ऋषभ पंत आएगा उनके दिमाग, उनके ध्यान में, और नंबर टू ईशान किशन आएंगे। मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंटिमिडेटिंग रहता है इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह के विकेट कीपर बल्लेबाज जो तेज गति से रन बना सकते हैं, और इसी वजह से मैं मुझे लग रहा है कि एक इससे फायदा होगा अगर आप ईशान किशन को इंक्लूड करेंगे। और आपने बात की जुआ लेने की, मैं तो यहाँ पर हमेशा कई बार कई प्लेटफॉर्म पर मैंने MS धोनी को उदाहरण दिया है, और MS धोनी की विकेट कीपिंग को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। जब उन्होंने शुरुआत की थी अंडर 19 लेवल से, जब वो रणजी ट्रॉफी खेलने आए थे, उनकी कीपिंग के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ अपने बल्लेबाजी की वजह से ही ऊपर खेलते गए। एक बार जब उन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया, वो भी आपको याद होगा पहले एक या दो दौरा जो उनका था बहुत ही एवरेज विकेट कीपिंग रही थी, पर उन्होंने बहुत जल्दी ये बात उनको समझ में आने लगी कि मुझे अगर लंबे समय तक खेलना है तो मुझे अपने विकेट कीपिंग पर मेहनत करनी होगी। उसके साथ साथ चूंकि वो बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर रहे थे तो उनको बाहर रखने के बारे में कोई सवाल उठा ही नहीं रहा था, और वो बल्लेबाजी उनके विकेट कीपिंग में भी बहुत ज्यादा मदद मिली है। और यही होता है अंत में कि एक अगर आप मल्टी स्किल प्लेयर हैं, विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, तो विकेट बल्लेबाजी में अगर आप रन बना रहे हैं तो आपकी जगह पक्की हो जाती है टीम में, और वो जी कॉन्फिडेंस जो है आप विकेट कीपिंग में भी लेकर आते हैं, जो कि ऋषभ पंत के साथ हुआ है, उसके पहले MS धोनी के साथ हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान किशन के साथ भी जरूर वो होगा। तो ईशान किशन ही क्यों राजकुमार सर, फिर तो संजू सैमसन ने क्यों नहीं, वो भी तेज बैटिंग करते हैं और उनका भी एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट ईशान किशन के आसपास है। स्ट्राइक रेट भी, मैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों के रिकॉर्ड देख रहा था, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं संजू सैमसन और ईशान किशन। बिल्कुल राजीव, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि संजू सैमसन भी एक बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि बहुत ही एलिगेंट बल्लेबाज हैं वो, और जब भी वो खेलते हैं तो एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज की झलक मिलती है। और मैं वही कह रहा हूँ कि अब सेलेक्टर्स को ये असेस करना है कि इन दोनों में से कीपिंग कौन बेटर कर रहा है एट प्रेजेंट, या पास में किसका परफॉर्मेंस या किसकी विकेट कीपिंग ज्यादा बेहतर रही है, या आजकल कौन बेहतर कीपिंग कर रहा है, तो उसको देख कर असेस करना होगा सेलेक्टर्स को। और सेलेक्टर्स के पास अच्छी हेल्दी चॉइस है, केएस भरत है, ईशान किशन है और संजू सैमसन, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं तो उससे पहले दुआ करूंगा कि शायद ऋषभ पंत ही फिट होके वापस आ जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ये तीन चॉइस हैं सेलेक्टर्स के पास कि उनमें से वो किसी को भी पिक कर सकते हैं। जैसे संजू सैमसन का नाम लिया सभा भाई आपने सारे लाना शुरू कर दिया, मतलब आपकी लिस्ट में कम से कम संजू सैमसन नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, संजू सैमसन है लिस्ट में, पर उनकी जगह कहाँ पे बनती है? मुझे लगता है कि संजू सैमसन किस तरह की बैटिंग करते हैं, वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, और मुझे तो लगता है कि मैं उनको अगर टीम में लूंगा तो एक प्रॉपर बल्लेबाज के रूप में लूंगा। अच्छा संजू सैमसन के विकेट कीपिंग मुझे अभी भी थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा रिलक्टेंट है कीपिंग करने के लिए, और जो भी मैंने जो जहां तक मुझे देखने देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं ईशान किशन को थोड़ा ऊपर रेट करता हूँ एक विकेट कीपर के रूप में। और उसके साथ साथ चूंकि ईशान किशन आपके नंबर 5 नंबर 6 पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और जिस धैर्य के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं वो ज्यादा इंटिमिडेटिंग रहता है, संजू सैमसन एक स्ट्रॉन्ग बैट है, तो ये 3 विकेट कीपर्स हैं आपके आपके पास, जैसा कि राजकुमार भी कह रहे हैं। अब इसमें भारत को ये सोचना है, चयनकर्ताओं को, टीम मैनेजमेंट को, कि आपको टीम को किस दिशा में ले जाना है। एक लेफ्ट हैंडर बहुत बड़ा, बहुत यूटिलिटी लेकर आता है टीम में, और अब देखिए अब इस समय भी, पहले क्या था, एडम गिलक्रिस्ट लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैटर, इस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन, एलेक्स कैरी जिन्होंने अपना पहला शतक लगाया है, वो लेफ्ट हैंडर के रहने से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है टीम में। तो मुझे लगता है कि उस तरह के खिलाड़ी को जिसके अंदर वो तेज गति से रन बनाने का दमखम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म करने का अनुभव है, उसका मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। विकेट कीपिंग तो खैर क्योंकि वो करते आ रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए राजकुमार सर को जाना है, मैं एक सवाल राजकुमार सर से ले लेते हैं। राजकुमार सर, एज अ कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा कितने वरीड होंगे, उनका सबसे बड़ा मैच विनर पिछले 2 सालों में टेस्ट क्रिकेट का, इंजर्ड है विकेट मार में क्या चल रहा होगा, वो क्या कुछ सोच रहे होंगे, ईशान किशन को लेके आए या वो KS भरत के साथ जाए, वो क्या डिमांड करेंगे सेलेक्टर से। हाँ देखिए राजीव, पहली बात तो कप्तान और कोच बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे और वाकई में बहुत परेशान होंगे क्योंकि उनका एक बड़ा मैच विनर वहां पर नहीं होगा और इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है और हमारा टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने का चांस है, तो वहां पर अब यही डिस्कशंस हो रहा होगा आपस में कि कौन बेटर बैट हो सकता है, कौन बेटर रिप्लेसमेंट हो सकता है, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया तो वो भी यही डिस्कस कर रहे होंगे राजीव कि इन तीनों में से किसको लिया जाए, कौन बेटर होगा, या उनका वो भी कलेक्ट कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन की कौन कैसी कीपिंग कर रहा है आजकल, या किस तरह की फॉर्म में है, उनके रिकॉर्ड्स देखे जा रहे होंगे प्रेजेंट जो वो जिस तरह वो रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जरूर सेलेक्टर्स उन पे कड़ी निगाहें बनाए होंगे और
साथ साथ कोच और कप्तान भी। को अब तो ये नई चयन कमेटी ये डिसाइड करेगी आने वाले समय में, तो अब जी कौन देख रहा है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो अंत में जो पास्ट परफॉर्मेंस उसी पर आपको जाना होगा। जी सवा भाई, जो मैंने सवाल पूछा था राजकुमार सर से, वो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए कितनी मुश्किल है आप देख रहे हैं, क्योंकि वो एक स्कीम लेके चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जाएंगे, आपको एटलीस्ट 3 मैचेस जीतने या 2 भी जीतेंगे, जिस तरह से साउथ अफ्रीका खराब खेली है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच जो ड्रॉ टेस्ट मैच हुआ उससे भी बड़ा फायदा हुआ भारत को, लेकिन ये एक बड़े बड़े सेटबैक के तौर पर आप देख रहे हैं ऋषभ पंत का अचानक इंजर्ड होना। बहुत बड़ा कंसर्न है ये राजीव, जी क्योंकि राहुल और रोहित दोनों को पता है कि ऋषभ पंत का वैल्यू कितना ज्यादा है रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में, जी चाहे वो इंडिया में हो या फिर बाहर हो, हर जगह उन्होंने अपना दबदबा मनवाया है। और जी उनकी कीपिंग में सुधार देखने को मिलता है, हर मैच में अच्छी कीपिंग देखने को मिल रही है, बल्लेबाजी के बारे में तो क्या कहना। तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है ये, और वो भी ध्यान में रख के राजीव, के अन्य जो आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, चाहे वो रोहित जी शर्मा हो, विराट कोहली हो, उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके जो मेन प्लेयर्स है वो अच्छे फॉर्म में हो। तो ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर थे जो अच्छे फॉर्म में है इस समय, और उनका नहीं रहना बहुत बड़ा झटका रहेगा ये भारतीय टीम के लिए। भाई, बांग्लादेश का ये हमने दोनों टेस्ट मैचेस देखा, अगर हम मैच जीते तो वो छोटा कंट्रीब्यूशन ऋषभ पंत का, वो 44 रन की पारी हो या 90+ जो उन्होंने किया, उन्होंने बांग्लादेश बॉलिंग को तितर बितर कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में किसी भी बैट्समैन का अगर सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो वो ऋषभ पंत है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि वो देख रहा होगा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष आई है, बट एज अ टीम, एज अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको लग ही रहा होगा कि ऋषभ पंत ना ही खेले तो ठीक है। हाँ राजीव, पर जी क्रिकेट फ्रेटर्निटी बहुत स्ट्रांग होती है, और इस तरह के तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर होते हैं तो फिर सारे के सारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो हाँ, इंटायर और कल क्रिकेट अच्छी बात है, फ्रेटर्निटी, आपको पूरी तो पता सोशल है, मीडिया पे हमने देखा कि इतनी वो ज्यादा सब विशेज आई है लोग, ऋषभ के लिए। हाँ वो सब लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये सब जी जो देश की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको तोड़ के इस तरह के विशेष स्पोर करने लगती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होगा इस समय। ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहेगा कि टेस्ट मैच अगर हो तो बहुत ही धमाकेदार टेस्ट मैच हो, और ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छे फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामने प्रदर्शन दिखाया है, तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में जब उनका दौरा हो ऑस्ट्रेलिया का, उनकी तैयारी होने लगी है इस समय। उन्होंने दो स्पिनर्स अब पिक करना शुरू कर दिया, एश्टन एगर को टीम में रखा गया है नेथन लायन के साथ साथ। उनको लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत पड़ेगी भारतीय कंडीशंस में। तो मुझे लग तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट होना चाहिए, और इस समय मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर इंडिया का हो या किसी और देश का क्यों ना हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर होकर वापस मैदान में आ जाए। चलो भाई, आखिरी सवाल, बिना ऋषभ पंत के ऑस्ट्रेलिया एडवांटेज आप देख रहे हैं इस सीरीज में, बिना ऋषभ पंत के जीतना मुश्किल होगा भारत के लिए? मुझे तो लग रहा था कि ऐसे भी थोड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं मानता हूं कि भारत अपने कंडीशन में अच्छा खेलता है, भारत का हाल का जो प्रदर्शन रहा है इंडियन विकेट्स में या फिर एशियाई विकेट्स में, वो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला नहीं रहा है राजू। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, और इन सब चीजों के बारे में बहुत जल्द भारत को सोचना होगा, टीम मैनेजमेंट को उस तरह की प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, तभी हम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छा खेल पाएंगे और वो श्रृंखला जीत पाएंगे। क्योंकि इस समय फॉर्म में अगर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हाँ मैं मानता हूँ कि इंडियन कंडीशंस में थोड़े बहुत वो स्ट्रगल करते हैं, पर वो भी डिपेंड करता है राजीव, भारत किस तरह का विकेट बनाता है ऑस्ट्रेलिया नहीं, टेस्ट सीरीज के लिए। मेरा सवाल देता, बिना ऋषभ पंत के क्या भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी सीरीज में? हाँ राजीव, निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, ऋषभ पंत का जी नहीं होना बहुत बड़ा ये घाटा रहेगा भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई, आपका आपके व्यूज के लिए, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया एज अ विकेट कीपर, आप किस तरह से देखते हैं ऋषभ की इंजरी को, बींग एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली कैपिटल्स, वो कितना नुकसान है, और सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय टीम को हो सकता है अगर ऋषभ पंत फिट नहीं हुए, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का समय है लगभग जब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, और ऋषभ के नी में जो इंजरी है, और एक विकेट कीपर के लिए नी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये बताने की जरूरत नहीं, आपको हर बॉल पे ऊपर नीचे होना होता है, और हालांकि विकेट कीपर का जॉब एक थैंकलेस जॉब होता है, लेकिन शायद क्रिकेट के मैदान पर सबसे कठिन भी होता है, जिसको करना बहुत मुश्किल है, स्पेशलाइज जॉब है, और जिस तरह का इम्पैक्ट ऋषभ पंत ने छोड़ा है उनके बूट्स को फिल करने के लिए, जो भी खिलाड़ी चुना जाएगा मुझे लग रहा है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम्म।